हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ पार्टी वेयर शूज़ एंड हील्स। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जितने भी पेयर्स मैंने परचेज़ किए हैं वो सभी आजियो से हैं। इसकी बर्थडे सेल चल रही थी, वहाँ से मैंने तब परचेज़ किए थे ये सभी फुटवेयर्स। तो जितने भी फुटवेयर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो इनका प्राइस है वो 350 से लेकर 650 के अंडर ही है, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज है ये। और इस रेंज में अगर आपको मतलब काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हील्स मिल रही हैं और फ्लैट्स भी हैं, जूतीज़ भी हैं, ये सभी फुटवेयर बहुत ही कंफर्टेबल हैं एंड बहुत स्टाइलिश और बहुत ही ट्रेंडी हैं। तो इन सभी फुटवेयर्स का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फुटवेयर पसंद आता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके और उस साइट पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फैशन डीवा कंचन और उधर भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। आई होप आप मुझे उधर फॉलो करेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और दिखाती हूँ आपको अपना फर्स्ट फुटवेयर। तो गाइज, ये है वो फर्स्ट का पेयर और ये कुछ इस तरीके से बॉक्स में पैक होके आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैक होके आते हैं, सबकी पैकेजिंग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना फर्स्ट पेयर। ये है गाइज वो हील्स जो मुझे बहुत पसंद आई, इनका शेड बहुत प्यारा है। मिस्टो ब्रांड में आपको काफ़ी मतलब इनके जो फुटवेयर्स होते हैं काफ़ी कंफर्टेबल और बहुत स्टाइलिश होते हैं, कलर्स बहुत आपको मिल जाएंगे। गाइज, इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके और जो भी शेड आपको चाहिए या जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मुझे रेड की थोड़ी सी नीड थी और मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये बाय किया है। इसमें देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें एक आपको इस तरीके से स्ट्रैप मिल जाएगी और ये टाई करने के लिए एक बेल्ट मिल जाएगी आपके लेग में और इसमें बकल मिलेगा इस तरीके से। और ये इसकी कोन हील है, बहुत प्यारी हील है, बहुत स्टाइलिश लगती है और काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आई थिंक ये 3.5 इंचेस होगी ये वाली हील है, तो ये थोड़ा कंट्रास्ट में पीछे से देखने में भी इसका लुक काफ़ी अच्छा है। तो फ्रंट और बैक मुझे इसमें सभी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट गाइज फुटवेयर पेयर है वो है ये, और ये है इसका जो ब्रांड है वो है क्यूरियोज। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही प्यारा पेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और ये कुछ इस तरीके के सैंडल्स हैं, टो रिंग फ्लैट सैंडल्स हैं और ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं। ये देखिए जो इसके आगे जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही अमेजिंग एम्ब्रॉयडरी है। इसका जो डिज़ाइन है और जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। मैंने जब इसको परचेज़ किया था तो मुझे ये 400 समथिंग कुछ पड़ा था, अभी करंट जो इसका प्राइस है अभी भी ये 450 अराउंड ही कुछ चल रहा है। तो और जो इस मतलब बहुत अच्छी डील है ये भी, और इसके अंदर आपको कुशनिंग वाला पैड मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला जो है तो ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड मुझे वैसे 36 मेरे जितने भी फुटवेयर के जो साइज़ हैं वो 36 आते हैं, बट यूके में अगर मैं देखूँ तो नंबर 3 आता है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और रेड एंड येलो एंड ग्रीन की एम्ब्रॉयडरी है, तो ये इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो एथनिक के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे। आप इन चप्पल्स को किसी भी सूट सलवार या फिर शरारा या फिर आप किसी भी प्लाजो वगैरह के साथ में इसे पहन सकते हैं, बहुत सुंदर पेयर लगेगा। और रेड कलर एक ऐसा होता है कि इससे पहले वाला भी रेड है बट वो थोड़ा सा वेस्टर्न लुक के साथ बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये वाला थोड़ा सा एथनिक लुक में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया है सूट्स वगैरह के साथ डालने के लिए। ये मुझे बहुत परफेक्ट पेयर लगा। नेक्स्ट जो पेयर है वो है इस तरीके के बॉक्स में रिसीव हुआ था मुझे, डायमो फुटवेयर। ये डायमो ब्रांड का है और मैंने इसको जब परचेज़ किया था ये मुझे 350 अराउंड कुछ पड़ा था, बट अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 550 अराउंड कुछ है। और देखिए ये कुछ इस तरीके के हैं,
इसमें आपको ब्लॉक हील मिलेगी, ये जो हील होती है इसे ब्लॉक हील बोलते हैं, तो ये इसमें ब्लॉक हील मिल जाएगी आपको। ये भी इस तरीके से टाई करने के लिए है और पीछे से ये ऐसे बंद है, एकदम क्लोज है, पीछे से आपका कुछ नहीं पैर वैर कोई भी। अगर आपको हील्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की जो हील्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्रैक होती हैं, तो वो इस तरीके के फुटवेयर ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसमें पीछे उनका कुछ दिखता नहीं है और जो फ्रंट है वो भी कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ इतना इतना पैर दिखता है। तो जिन लोगों के पैरों में प्रॉब्लम रहती है वो इस तरीके के जो सैंडल्स होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टाइलिश भी लगते हैं और कम्फर्टेबल भी होते हैं, बिकॉज इसमें ब्लॉक हील है और पेंसिल हील वगैरह थोड़ा सा इरिटेट करती हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं, बट ये वाली जो ब्लॉक हील होती है बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो ये रहा इसका सेकंड पेयर, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। ये जो है ये चॉकलेटी शेड में है इसका जो है ये शेड, तो इसका शेड भी ऐसा है, इस तरीके के शेड ऑल ओवर मतलब सब पे ही चले जाते हैं। और इस तरीके के सैंडल्स को आप वेस्टर्न एथनिक कैसे भी किसी भी लुक में ट्राई कर सकते हैं, सभी ही लुक्स के साथ ये अच्छे से जाएगा, किसी भी शेड के साथ ये आप पहन सकते हैं उसके साथ भी ये अच्छे से जाएगा। बट गाइज इसमें क्या है, इसमें एक नंबर आपको छोटा लेना है। अगर आपका जो साइज़ है, अगर आप जैसे मैं हूँ, मैंने 3 मंगाया था इसका साइज, बट मुझे थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको एक्सचेंज करा दूंगी। और अगर आपको 4 आता है तो आप 3 मंगाइए, अगर आपको 5 आता है तो आप इसको 4 मंगाइए, तब ये फिट आएगा आपको। अदरवाइज ये थोड़ा सा लूज है, थोड़ा नहीं काफ़ी लूज है, मतलब मैं एडजस्ट नहीं कर सकती कि थोड़ा सा होता तो चलो ठीक है चला लेते काम, बट ये कुछ ज़्यादा ही लूज है। इसलिए लोग भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन सभी फुटवेयर्स का लिंक चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं ये किस तरीके से हैं, कैसे हैं, अगर आपको पसंद तो आते हैं। गाइस नेक्स्ट जो पेयर है वो है ये इस बॉक्स में, और इसका जो ब्रांड है वो है ट्राई फीट, इसका जो नेम है। और ये इस तरीके के कुछ जूतियाँ हैं, तो मैंने सोचा डिफरेंट डिफरेंट टाइप को ऐड करूं और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा हॉल मैं बनाऊं, तो इसलिए मैंने जूतियों को भी ऐड किया है, कोई भी चीज़ मिस नहीं की है। ब्लॉक हील भी ले ली है, पेंसिल हील भी ली है, जूतियां भी ली हैं, चप्पल्स भी ली हैं, तो वैरायटी हो गई है इस हॉल में। आई थिंक आपको ये हॉल अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसमें आपको शॉल इस तरीके से मिलेगी, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है इस पे, और आगे इस तरीके से कपड़ा है। ये गाइस ये एम्बेलेस्ड राउंड टो जूतीज हैं, और ये मैंने परचेज़ की थी 450 अराउंड कुछ, बट अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 550 अराउंड कुछ। तो इन जूतियों में आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरीके के स्टोन्स वाली लेस लगी हुई है, स्टोन्स हैं छोटे छोटे, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और इस पे इसका जो कॉम्बिनेशन है वो गोल्ड एंड ग्रे का है, गोल्डन एंड ग्रे कलर का जो डिज़ाइन है, फ्लोरल कुछ डिज़ाइन बना हुआ है इस पे। एंड इसके अंदर आपको कुशनिंग पैड मिल जाएगा, तो जो इसकी और जो इसकी शॉल है वो भी काफ़ी हैवी है, मतलब अच्छी है, और देखिए कितनी फ्लैक्सीबल है, ठीक है, बहुत फ्लैक्सीबल है, कुछ नहीं होना है इसमें, मतलब बहुत बहुत ही सही पीस है ये भी, कंफर्टेबल है ये भी। तो इस तरीके के जो जूतीज़ होती हैं वो आप एथनिक वगैरह के साथ में ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप एथनिक के साथ में जूतीज़ डालते हैं तो आपका जो लुक है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा। तो गाइस जो नेक्स्ट पेयर है वो कुछ इस तरीके के बॉक्स में मिलेगा, और बॉक्स के ऊपर ही जो इसका ब्रांड है वो उसका नाम मेंशन है, एवर क्यूपिड। और इस बॉक्स में जो पेयर है वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से है और क्या शेड है। तो मैंने सभी के जो शेड हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेने की कोशिश की है, कि ये देखिए, और ये न्यूड शेड है, तो जो न्यू हमारी मतलब जितने भी फुटवेयर का जो कलेक्शन है उसमें एक तो न्यूड शेड सभी के पास होना ही चाहिए, बिकॉज इस तरीके के शेड भी सभी के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए, इसमें आपको फर मिल जाएगी आगे फ्रंट साइड में। इस पेयर में भी आपको ब्लॉक हील मिलेगी, और ये ब्लॉक हील देखिए इस तरीके से है, इसकी जो लेंथ है इस हील की, इसकी आई थिंक ये होगी 2.5 इंच होगी, 2.5 इंचेस। और इसमें आपको इस तरीके से एंकल पे ये लूप मिल जाएगा, ये काफ़ी सही रहता है ये, क्योंकि इससे क्या होता है जो जब हम इसको पहनते हैं ना, और इस तरीके के जो लूप होते हैं तो हमारा जो पैर एकदम फिक्स हो जाता है, ये नहीं कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के लूप वाले जो सैंडल्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये इस तरीके से है न्यूड शेड में, मुझे ये पेयर भी बहुत अच्छा लगा, इसका शेड भी बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज भी एंड प्राइस आई थिंक कि ये ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, 650 अराउंड कुछ पड़ा था मुझे ये, बट अभी शायद ये थोड़ा सा और ज़्यादा इसके जो रेट्स हैं वो हाई हो गए हैं। तो
मैंने ये सेल में लिया था इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी सेल आए तो आप भी इस तरीके के जो सैंडल्स हैं वो ग्रेप कर सकते हैं। तो गाइस दिस वन इज लास्ट बस नॉट द लीस्ट। तो ये गाइस इसका जो पैकेजिंग ये इस बॉक्स में आया था बड़ा बेकार सा आया था, मतलब इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसका जो बॉक्स है वो बिल्कुल ही इसके अंडर पंजर सब ढीले हो रखे थे, बट इसका जो ये जो पेयर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ये फेवरेट पेयर है। और इन सभी जो 6 मैंने आपको पेयर्स दिखाए हैं इन सभी फुटवेयर्स में ये वाला जो फुटवेयर पेयर है ये मेरा फेवरेट है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट पीस है। तो गाइज़ ये है वो वाला पेयर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका शेड, इसकी हील्स, इसका जो पैटर्न है, इसका सभी कुछ इसका बहुत अच्छा लगा। और ये फैशिमो ब्रांड का है, पॉइंटेड टो किटन हील्स सैंडल्स हैं ये। तो जो ये पॉइंटेड टोज वाली जो ये सैंडल्स होती हैं तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस तरीके के सैंडल्स ना एवर ग्रीन होते हैं, इनका मतलब विंटर और समर से कोई लेना देना नहीं है। और ये हर तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश हैं काफ़ी। इनकी जो हील है ये भी 2.5 इंचेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो शोल है ये कैनवास शोल बोलते हैं इसे, और ये जो इसके ऊपर ये जो कपड़ा सा लगा हुआ है ये सिंथेटिक टाइप का कुछ कपड़ा लगा है। और ये जो कलर है पूरा सिल्वर है, एकदम ग्लिटरी, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इस तरीके के फुटवेयर्स किसी पार्टी में कैरी करते हैं तो गाइज आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आई थिंक आपको आज का ये हॉल अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत वैरायटी रखने की कोशिश की है, सभी डिफरेंट कलर्स को ऐड किया है। एंड मेन गाइज बात ये है कि सभी फुटवेयर्स बहुत अफोर्डेबल रेंज में हैं। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइज आप मुझे बताइएगा कि आपको इन जितने भी मैंने ये 6 पेयर्स दिखाए हैं उन 6 में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा फुटवेयर लगा। मैं इतने सारे सभी तो नहीं रखूँगी, कुछ रखूँगी, कुछ रिटर्न कर दूँगी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया और इंटरेस्टिंग सा लेकर फिर से हाजिर होंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड वी स्टाइलिश।